रमेश जानवी अपने पिताजी को जोर से छापड़ मार दो। सो हेलो गाइस, तो अजय देवगन ने फिर से साबित कर दिया कि एक्टिंग के बादशाह सिर्फ और सिर्फ अजय देवगन ही है। जी हां गाइस, तो उसके बाद जस्ट रिमाइंडर में हम बात करें तो आर माधवन की, जी हां, तो आर माधवन एंड जानकी बोरीवाला की शैतान मूवी में ऐसी एक्टिंग, ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिला जैसे कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड साउथ इंडस्ट्री में शायद ही किसी की एक्टिंग से आप दीवाने हो जाओगे। जी हाँ, तो हम बात करते हैं, आज शैतान मूवी रिलीज हो चुकी है, तो गाइज इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू आपके सामने पेश करते हैं। तो गाइज जैसे ही आप लोग इस मूवी को देखने बैठोगे तो गाइज ये मूवी आपको क्रैक्स वहीं से शुरू से ही कर जाएगी एंड आप देखने देखते दिलचस्प हो जाओगे कि आगे इस मूवी की कहानी में क्या होगा। जी हाँ, तो एंड इस मूवी का जब क्लाइमैक्स होगा तो क्लाइमैक्स के जरिए आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होगा और एक ऐसा जरिया निकल के आएगा आपके सामने कि पूरी तरह से चिकनाहट यानी कि चिल्लाहट आपकी दीवाने हो जाओगे। जी हाँ, तो ऐसा इस मूवी का क्लाइमैक्स काटा गया, ऐसा इस मूवी का क्लाइमैक्स बनाया गया। इस मूवी का पूरी तरह से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अजय देवगन के फैन, आर माधवन के फैन। एंड गाइज इस मूवी का कनेक्शन होना ऑडियंस के बीच में जरूरी है, क्योंकि गाइज जब इस मूवी का कनेक्शन आपके बीच में हो जाएगा तो गाइज ये मूवी डेफिनेटली फाड़ के निकल जाएगी। एंड गाइज ये मूवी पूरी तरह से आउटस्टैंडिंग है एंड 4 out of 5 इस मूवी को रेटिंग पूरी तरह से मिलनी चाहिए एंड यह मिली भी है गाइज। एंड ये मूवी ऑडियंस को बेहद ही ज़्यादा पसंद आ रही है। एंड गाइज इस मूवी को आप लोगों ने नहीं देखा, वॉच नहीं किया तो जाइए एक बार देख के आइए, तो गाइज डेफिनेटली आपको पूरी तरह से पैसे वसूल हो जाएंगे। एंड गाइज ये ऑफिशियल रिमेक वस मूवी का, लेकिन गाइज फिर भी आप लोग पूरी तरह से न्यू कहानी के साथ कनेक्शन हो जाओगे। एंड गाइज आप लोगों ने ऐसी मूवी, ऐसी कहानी आपने शायद ही जिंदगी में बॉलीवुड की फिल्मों में देखी होगी। जी हाँ, तो जाइए इस मूवी को देख के आइए, वॉच कीजिए एंड फिर कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी कैसी नहीं। ठीक है गाइज, धन्यवाद।